आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी ने कहा, शुक्रवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक रहेगा लॉकडाउन, दवा की खुली रहेंगी दुकानें। नगर आयुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुआ मोहल्ला निगरानी समिति की बैठक, निगरानी समिति को किया गया सक्रिय, बाहर से आने वाले लोगों पर नजर रखने के दिए निर्देश। शासन के निर्देश पर लगाया गया 83 घंटे का कर्फ्यू, एसपी सिटी ने कहा, शुक्रवार की शाम 8 बजे से मंगलवार की सुबह 7 बजे तक रहेगा प्रतिबंध, आवश्यक वस्तुओं के आवागमन की रहेगी छूट। 83 घंटे के लॉकडाउन में कराया जाएगा महानगर के 70 वार्डों में सैनिटाइजेशन, शनिवार को मंडलायुक्त द्वारा 55 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर वार्डों में किया जाएगा रवाना। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं शिक्षा अमित मोहन प्रसाद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड 19 की समीक्षा, दी आवश्यक दिशा निर्देश। शासन ने बढ़ाया लॉकडाउन का समय, अब शुक्रवार की शाम से मंगलवार की सुबह 7 बजे तक रहेगा लॉकडाउन, एडीएम फाइनेंस ने लोगों से की अपील, कहा घरों में रहें सुरक्षित रहें। गोरखपुर में शुक्रवार को मिले 1076 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 4 की हुई मौत, जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 41,494, अब तक 445 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान, 10,308 हो गए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। नगर आयुक्त ने अंत्येष्टि स्थल पर कार्यरत 2 कर्मचारियों को 5,001 रुपए देकर किया सम्मानित, नगर आयुक्त ने कहा, कर्मचारी सेवा भाव से करे जनता की सेवा। लॉकडाउन में शादी का दाल बेचने वाले हुए मायूस, 1,000 रुपए में बिकने वाले दाल को बेच रहे हैं 200 से 250 रुपए में, कोरोना से मृत्यु हुए लोगों के लिए अर्थी का बास दे रहे हैं कम रेट पर। राजघाट स्थित अंत्येष्टि स्थल पर कोविड से मृत लोगों के लिए नगर निगम प्रशासन ने रजिस्ट्रेशन और दाह संस्कार किया निःशुल्क, कार्यरत कर्मचारियों को सुरक्षा के दृष्टिगत दिया गया पीपीई किट। जनपद में जिला अस्पताल सहित 76 बूथों पर 45 साल से ऊपर के 5,160 नागरिकों का किया गया कोविड का वैक्सीनेशन, सोशल डिस्टेंस के साथ लोगों ने कराया वैक्सीनेशन, नहीं हुई कोई दिक्कत। मतगणना कार्मिकों का 3 दिवसीय ट्रेनिंग हुआ संपन्न, मुख्य प्रशिक्षक द्वारा कार्मिकों को मतपत्रों की गिनती की दी गई जानकारी। रमजान के तीसरे जुमे को मुस्लिम समाज ने नमाज अता कर मांगी कोरोना के खात्मे की दुआ। वार्ड नंबर 50 विकास नगर में नगर निगम ने कराया सैनिटाइजेशन का कार्य, जिससे मिल सके कोरोना संक्रमण से छुटकारा। और शासन के निर्देश पर लगाए गए नाइट कर्फ्यू का शुक्रवार को भी देखने को मिला असर, सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा, शुक्रवार के नाइट कर्फ्यू के साथ मंगलवार की सुबह 7 बजे तक प्रभावी रहेगा कर्फ्यू।